नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के जंतर मंतर धरने में शामिल दो महिला पहलवान आज ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पहुंची। यह अब तक साफ नहीं हुआ है कि दोनों पहलवान कौन हैं और किस मकसद से वो यहां आई है। पुलिस के साथ महिला पहलवान ब्रजभूषण सिंह के घर पहुंची। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जंतर मंतर पर जिन पहलवानों ने धरना दिया था उनमें से दो पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पहुंची पुलिस के साथ। हालांकि किस वजह से पहुंची थी ये भी साफ नहीं है। कौन दो वो महिला पहलवान हैं इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये जानकारी जरूर आ रही है कि पुलिस के साथ ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पहुंची है दिल्ली में दो महिला रेसलर्स। दिल्ली जंतर मंतर पर स्थित ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पर अभी कुछ देर पहले ही दो महिला पहलवान पहुंची थी। हालांकि ये साफ नहीं हुआ कि वो दोनों महिला पहलवान कौन थी, लेकिन 10 से 15 मिनट रुकने के बाद पीछे के गेट से दोनों महिला पहलवान निकल गई जो दिल्ली पुलिस के साथ आई थी। यानी दिल्ली पुलिस उनको इस घर में लेके गई थी। उसके बाद यहाँ से 10-15 मिनट रुकने के बाद उसके बाद पीछे वाले गेट से यहाँ जो है वो दोनों महिला पहलवान निकल गए। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि दोनों महिला पहलवान कौन थी, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जो विरोध प्रदर्शन पे बैठी थी जो महिला पहलवान, उन्हीं में से कोई दो महिला पहलवान थी जो ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पर आए थे। लेकिन अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि वो दोनों महिला पहलवान कौन थी और क्यों आज दिल्ली ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पर आ गए। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह घर पर थे आज सुबह, जब उन्होंने मीडिया से बात की तब उनका ये साफ तौर पर कहना है कि 15 जून के बाद ही मैं कुछ बोल पाऊंगा इस पर। जब ये कहा गया था कि उनके पिता ने कहा कि उन्होंने वापस ले लिया है अपने FIR कंप्लेंट लगी, तो उस पर भी किसी तरीके से कोई बातचीत ब्रजभूषण शरण सिंह ने नहीं की और साफ तौर पर यह कहा गया कि 15 जून के बाद ही मैं कहूँ। हालांकि कुछ दिन पहले, जिस तरीके से दो दिन पहले खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से सभी पहलवानों ने मुलाकात की थी और ये आश्वासन दिया था कि 15 जून तक पूरी तरीके से चार्जशीट दाखिल जाएगी, इंक्वायरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी और पुलिस अपनी चार्जशीट दाखिल कर लेगी, उसके बाद इस पूरे मामले को देखा जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ 15 जून तक यह आश्वासन दिया था पहलवानों ने भी कि 15 जून तक कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होगा। लेकिन उसी बीच आज जिस तरीके से दो महिला पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह के दिल्ली आवास पर पहुंची, उससे कई सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ सैयद मुबशिर, जी मीडिया दिल्ली।